हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज मैं स्पेशली होली के लिए गुजिया की रेसिपी लाई हूँ, क्योंकि होली का त्यौहार आने वाला है। इसलिए हमने सोचा कि गुजिया का रेसिपी आप लोगों को शेयर कर दूँ। लेकिन शेयर करने से पहले प्लीज़, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए, इसी के साथ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मैदा लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जितने लोग होंगे घर में उसके हिसाब से लीजिएगा मैदा। हम यहाँ दो लोगों के लिए बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम घी ले लेंगे। घी को हम मेल्ट घी लीजिएगा, जमा हुआ नहीं। तो इसमें हम 1.5 चम्मच घी ऐड कर देंगे। थोड़े से और ले लेंगे, इसलिए घी से खस्ता बनता है गुजिया हमारा। तो इसको अच्छे से मोइल करना पड़ेगा, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो हमने यहाँ 1.5 चम्मच घी लिया था, इसमें थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से हमें ऐसे बहुत रफ करना पड़ता है, इसको ज़्यादा मलना पड़ता है। इसलिए जितना हम इसको मलेंगे उतना खस्ता बनेगा हमारा गुजिया। तो हम जितना मिक्स करेंगे उतना सही रहेगा, इसलिए ऐसे एकदम, देखिए ऐसे एकदम, जब तक हमारा मैदा बाइंडिंग ना हो तब तक हम इसको ऐसे मलते रहेंगे। तो हमारा देखिए मैदा ऐसे बाइंडिंग हो रहा है, तो हमारा मैदा मिक्स मैदा रेडी हो गया। अब इस पर हम पानी ऐड करेंगे। तो हमारा आधा मोइन हो चुका है, तो इसमें हम नॉर्मल पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारा मैदे का आटा का डो हो गया रेडी। तो हम इसको देखिए, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा नॉर्मल रखेंगे इसको। तो आटा हमारा रेडी हो गया, तो इसको हम कपड़े से ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। ऐसे स्टफिंग तैयार करने चलते हैं। नारियल का बुरादा बना लिया है, ऐसे सूखा नारियल लिए थे, और यहाँ पे 8-10 काजू हमने लिया है, 10 से 15 किशमिश है, और बादाम को हमने क्रश कर लिया, काट लिया इसको। यहाँ पे 250 ग्राम के करीब हमने मावा लिया है। तो चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम घी डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा सूजी ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भून लेंगे अच्छे से। सूजी सुनहरा हो गया है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। वापस से थोड़ा सा और हम घी ऐड कर देंगे। घी मेल्ट हो गया था, इसमें हम काजू को ऐड कर देंगे, इसलिए बादाम हमने ड्राई फ्रूट्स पर बादाम को भूज लिया था पहले ही। इसको ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। तो इसमें हम मावा को डाल देंगे, मावा को भी भूनना जरूरी है हल्के आंच पे। मावा भून चुका है, तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स जो लिए थे इसको ऐड कर देंगे इसमें, और नारियल का जो बूरा है इसको भी डाल देंगे इसमें। इसको थोड़ा सा पहले भून लें। हमने जो सूजी भुना था उसको भी ऐड कर देंगे इसमें, और इसको ऐसे मिला लेंगे अच्छे से। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तैयार हो गया, इसको हम ठंडा होने तक वेट करते हैं। इसमें चीनी डालेंगे। तो हमारा देखिए स्टफिंग तैयार हो गया। अब इसमें हम चीनी को ऐड कर देंगे। चीनी को हमने पीस लिया था, आप लोग चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन पीसने से और अच्छा हो लगता है। ये हमारा स्टफिंग अच्छे से मिक्स कर लिया हमने। तो अब इसमें हम इलायची को ऐड कर देंगे। इलायची को हमने दरदरा कूट लिया था, इसको ऐड कर देते हैं।
इसको थोड़ा हम ठंडा होने देंगे। हमारा स्टफिंग ठंडा हो चुका है तो अब हम देख लेते हैं मैदा के डो देखे कैसे हुआ है। तो देखिए मैदा हमारा अच्छे से मिक्स अच्छे से इसको हम मल लेंगे एक बार और। तो देखिए अच्छा डो बन के रेडी है हमारा मैदे का। थोड़ा सा हम सूखा मैदा ले लेंगे, हम इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। इसको एक बार और मसल लें अच्छे से। इसका हम पेड़ा बना लेंगे मैदे का। सूखा आटा ले लेंगे और इसको हल्के हाथ से एक बार इधर से पलटेंगे, एक बार इधर से। इसको ज़्यादा हम ना मोटा करेंगे ना ज़्यादा पतला रखेंगे, इतने पे ही हम रखेंगे। हमने यहाँ पे साँचा ले लिया है गुजिए का, तो इस पे इसको हम ऐसे रख देंगे अच्छे से। उसके बाद से इसमें हम स्टफिंग भर लेंगे। इसमें हम ज़्यादा नहीं भरेंगे, ना ज़्यादा भरेंगे ना कम भरेंगे। ज़्यादा भरेंगे तो फट जाएगा बाहर से, इसलिए हमको हिसाब से ही भरना है। अब इसके हम यहाँ हमने पानी लिया था, पानी को साइड साइड हम लगा देंगे। पानी से ऐसे अच्छे से चिपक जाता है। अब इसको बंद कर लेंगे, चारों ओर से इसे दबा देंगे। एक्स्ट्रा जो आटा है इसको हम निकाल लेंगे इसे। तो देखिए कितना अच्छा हमारा गुजिया बन के रेडी हो चुका। ऐसे ही हम सारे गुजिया को तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे गुजिया को रेडी कर लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे, कढ़ाई रख लेंगे इस पर। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम तेल ऐड कर देंगे। हमारा गुजिया कितना अच्छा बन के रेडी हो गया, देख सकते हैं कितना फूला फूला दिख रहा है, क्रंची भी बना है। कितना गोल्डन कलर आया हुआ है, खसखस खसखस आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा हमारे गुजिया का कलर आया हुआ है, बिल्कुल समोसे की जैसे। क्या गुजिया है, हमारा गुजिया का कलर इतना स्वादिष्ट दिख रहा है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा ना। ये फुला फुला हमारा गुजिया बन के रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हैं इतना सारा। तो देखिए हमारा गुजिया बन के हो गया रेडी, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगा। आप लोग जैसे हम बताएं वैसे ही बनाइएगा लोग, हम अपने तरीके से बनाए थे, आप लोग अपने तरीके से बनाइएगा। तो देखिए कितना अच्छा हमारा गुजिया बन के रेडी हो गया, हमने होली के लिए बनाया था। तो चलिए इसी के, तो हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू।